दोस्तों ये है पोको C61। पोको के सी सीरीज के फोन्स 10 मिलियन बेचे गए हैं इंडिया में। दिस इज बेसिकली द बजट सीरीज जो अंडर 10,000 होती है, लेकिन इसकी प्राइस, मैं प्राइस के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको दिखाता हूं वो फोन कैसा है, आप गेस कीजिए नीचे कमेंट में इसकी प्राइस क्या होगी। लेट्स ओपन, थोड़ा अलग बॉक्स है, राइट अप फ्रंट फोन है, दिखाने वाला हूं फोन दोस्तों, जस्ट वेट। और क्या है, 10 वॉट का चार्जर आता है, USB टाइप A2 टाइप सी चार्जिंग केबल है, सो दैट इज गुड, टाइप सी चार्जिंग केबल है, एंड देन डॉक्यूमेंटेशन है, दैट्स अबाउट इट। ये रखते हैं साइड में, हाँ वैसे सिम कार्ड टूल है साइड में, ये देखिए, या सो दैट्स अबाउट इट। लेट्स लुक एट द फोन, मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों इस फोन के पास, देखिए इसकी बैक जो है ग्लास बैक है, लुक एट दिस। अब गेस कीजिए इसकी प्राइस क्या है, वैसे इसमें 3 कलर्स आते हैं वो भी दिखा देता हूं आपको, ऑल ग्लास बैक, लुक एट दिस दोस्तों। इसकी प्राइस है 6,999, अंडर 7,000 रुपीज आपको ये ग्लास बैक वाला फोन मिल रहा है, एंड बड़ा डिस्प्ले भी है। वैसे आगे बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं C61 के बारे में, लेकिन दोस्तों उसके पहले अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और एक बात दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया हुआ है वो पोको के कोलैबोरेशन में बनाया हुआ है, लेकिन पहले इन एंड फील इट्स अ बिग फोन, मतलब टॉल भी है, बड़ा भी है, ज्यादा हैवी नहीं लग रहा, मतलब ग्लास बैक होने के बाद, वैसे 5,000 mAh की बैटरी भी आती है, बट उतना हैवी नहीं है, वेट करेंगे, बट पहले स्क्रैच गार्ड निकालते हैं। ऑलराइट, स्क्रैच गार्ड में ढूंढ रहा था, नहीं है दोस्तों, दैट इज नॉट देयर, बट वेट के बारे में बात करूं तो 195 ग्राम्स इज व्हाट आई फील, देखते हैं 195, 198, 201 ग्राम्स, सो 3-4 ग्राम्स इधर उधर। जी हाँ, जैसे मैंने कहा बड़ा फोन है बिकॉज ऑफ ग्लास बैक, सो दैट इज देयर। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, नीचे माइक्रोफोन है, USB टाइप सी पोर्ट है, लेफ्ट हैंड साइड में सिम कार्ड ट्रे है, ऊपर स्पीकर, नीचे की तरफ नहीं दिखा दोस्तों, ऊपर स्पीकर ग्रिल एंड 3.5 mm जैक, राइट हैंड साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर मिलता है, एंड पावर ऑन ऑफ जो FPS है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, सो दैट इज गुड। सिम कार्ड ट्रे के बारे में बात करूं तो आई विल सी, आई थिंक डेडिकेटेड होना चाहिए, लेट्स सी, यस ट्रिपल कार्ड स्लॉट है दोस्तों, सो SD कार्ड आपको अगर एक्सटेंड करना है तो आप कर पाओगे, गिरा के देखना है। वैसे दोस्तों अगेन 7,000 के नीचे गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिल रहा है आपको, वाओ, आगे से गिराते हैं, 1-2 एंड बूम, और पीछे से लेट्स डू इट, 1-2, ओह नहीं, Absolutely nothing. चलिए देखते हैं, बाहर से तो देख लिया, अंदर से देखते हैं क्या क्या है। वैसे अगर मैं डिस्प्ले के बारे में बात करूं, C51 के कंपैरिजन में बड़ा डिस्प्ले हो गया, 6.71 इंच का दोस्तों IPS LCD डिस्प्ले, बट 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट आता है, सो दैट इज ऑल्सो देयर। याद रखिए प्राइस के हिसाब से मैं कहूंगा डिस्प्ले अच्छा है। ब्राइटनेस के बारे में बात करूं तो 500 nits ब्राइटनेस है, C51 है 400 nits, सो वो बढ़ गया। वाटर ड्रॉप नॉच है। अगर मैं स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के बारे में बात करूं तो डिसेंट है, अगेन इस प्राइस रेंज में। साइड के बेजल्स, ऊपर के बेजल जो है ठीक ठाक एवरेज साइज है, इवन चिन इस प्राइस रेंज में एवरेज ही कहूंगा। वेरी गुड स्क्रीन डेफिनेटली। दोस्तों स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो ये आता है हीलियो G36 इस प्रोसेसर के ऊपर, ये 12 nm प्रोसेसर है, 5,000 mAh की बैटरी है, 10 वॉट चार्जिंग है, और अगर वेरिएंट्स के बारे में बात करूं तो 464 है एंड 6128 आता है। eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप है, LPDDR4X RAM टाइप। वैसे eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप है फिर भी वर्चुअल RAM दी हुई है दोस्तों। सेंसर दोस्तों जायरोस्कोप नहीं है, बट बाकी सब सेंसर है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक भी आता है। एक बात अच्छी, अगर OS के बारे में बात करूं दोस्तों, Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स आता है, एंड 2 साल के मेजर अपडेट्स हैं, 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। अगेन आप जब 7-8 हज़ार का फोन देखते हो तब यू नो एक्सपेक्ट नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा 1 साल का देते हैं, बट दिस इज गुड, 2 ईयर्स अपडेट, सो 15 एंड 16। 3-4 एक्स्ट्रा एप्स है, थोड़े बहुत है बट ज्यादा नहीं है, क्लीन एक्सपीरियंस मिलता है, एंड MIUI डायलर है, तो कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह आपको करना है वो भी आप कर पाओगे। देखिए ये जो फोन है इसेंशियली पहला जिसका फोन है स्मार्टफोन, उनके लिए फीचर फोन से अपग्रेड हो रहे हैं, उनके लिए ये फोन है। वैसे परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं दोस्तों, G36 है, लोवेस्ट सेटिंग पे आप BGMI वगैरह खेल पाओगे, COD मोबाइल वगैरह खेल पाओगे, मैनेजेबल है, बट अगेन दीज आर नॉट परफॉर्मेंस फोन्स ऑब्वियसली। मल्टीमीडिया के लिए बड़ा डिस्प्ले आता है, ब्राइट डिस्प्ले, क्वालिटी भी अच्छी है इस IPS डिस्प्ले की, सो वीडियो व्यूइंग अच्छा है, एंड यस टॉप फायरिंग स्पीकर है जो लाउड है, 3.5 mm जैक भी मिलता है। चलिए बाकी के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। FM रेडियो आता है इसके अंदर, सो दैट इज देयर, SAR वैल्यू विद इन लिमिट्स है, नो प्रॉब्लम्स देयर। IP सर्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन डस्ट एंड वाटर रिपेलेंट डिजाइन है ऐसे कहेंगे, और हाँ ये 5G नहीं 4G फोन। कनेक्टिविटी के लिए डुअल बैंड वाईफाई है, ब्लूटूथ 5.0 है, डुअल 4G वोल्टी वाईफाई कॉलिंग वो सब है। दोस्तों अगर कैमरा के बारे में बात करूं, पीछे डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, 8 MP का प्राइमरी सेंसर है, और दूसरा जो है दैट इज AI सेंसर, आगे 5 MP का सेल्फी सेंसर मिलता है, बहुत सारे फोटोज निकाले हुए हैं अलग अलग कंडीशंस में। अगेन इस प्राइस रेंज में हम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, बट ओरिजिनल क्वालिटी में जो भी फोटोज हमने निकाले हुए, नीचे मैं लिंक दे रहा हूं जी ड्राइव की, उधर सेव करके रखे हुए, जरूर जाके देखिए। लेकिन एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगा, जो लुक्स है कैमरा के बहुत ही ट्रेंड
एंड ही ऐसे दिखता है, बहुत ही महंगा फोन है, मतलब जितना प्राइस है उससे ज्यादा डेफिनेटली लगता है। एंड लुक एट दिस, इट लुक्स नाइस। जब आप इसे कैरी करोगे लोग कहेंगे अरे यार कौन सा फोन है। और फीचर्स के बारे में बात करूं तो पोर्ट्रेट मोड, टाइम लैप्स मोड, HDR मोड, ये सब है। वीडियोग्राफी के लिए 1080p एट 30fps शूट कर पाओगे रेयर से। यू नो जो भी बेसिक फीचर्स होते हैं कैमरा के सब है इसके। देखिए हर एक फोन जो है प्राइस रेंज के हिसाब से देखना चाहिए। उस हिसाब से कुछ कुछ चीजों में पोको C61 डेफिनेटली एक्सीड करता है। फॉर एग्जांपल 7000 में आपको ग्लास बैक मिल रहा है, बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है, 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है। लुक्स डिजाइन के मामले में सीरियसली इट पंचेस अबाउट इट्स वेट। और सबसे सरप्राइजिंग बात लगी OS अपडेट्स की, मतलब एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है, साथ में 2 साल के अपडेट्स भी प्रॉमिस किए हुए, विच इज अ बिग थिंग। जी हाँ दोस्तों, यही है पोको C61। आप अगर 6-7-8 हजार में फोन देखना चाह रहे हो, दैट इज व्हाट योर बजट इज, डेफिनेटली आपने पोको C61 के पास देखना चाहिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।